हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बुकर मकर सुर। और आज हम आ गए हैं शिमला की मॉल रोड पे, जहाँ पे हम खाने वाले हैं बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना। पर खाना स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ी सी एपेटाइट बिल्ड करनी थी, तो उसके लिए हम मॉल रोड के एक बार पूरा पूरा चक्कर लगा रहे हैं। एंड आप देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे ना 26 जनवरी से जस्ट पहले गए थे। दिस इज़ व्हाट वी सॉ। 26 जनवरी की प्रैक्टिस चल रही है एंड दिस इज ऑन द मॉल रोड परेड प्रैक्टिस। परेड प्रैक्टिस देख के ना कुछ अलग सी फीलिंग आती है, बिल्कुल ऐसे पेट्रियोटिज्म अंदर से फूट फूट के बाहर निकलता है। मेरे ऑनेस्टली गूज बम्स निकल जाते हैं। इज इट द सेम फॉर यू और नॉट? ओके, अब थोड़ी थोड़ी भूख लगने लग गई है, सो लेट्स हेड ओवर टू द प्लेसेस दैट वी हैव ऑन आवर लिस्ट फॉर टुडे। हम आ गए इंडियन कॉफी हाउस। मेरी यहाँ पे ना बचपन की बहुत सारी यादें हैं। दिस इज़ द फर्स्ट प्लेस जहाँ मैंने कीमा डोसा खाया था एंड मुझे और कहीं का इतना अच्छा नहीं लगा, लाइक और किसी भी इंडियन कॉफी हाउस का इतना अच्छा नहीं लगा जितना मुझे यहाँ का लगा था इन शिमला। सो आई एम बैक फॉर इट एंड देखते हैं अगर वही पुराना टेस्ट मुझे वापस मिलता है या नहीं मिलता। काफी भरा हुआ है, लेट्स सी इफ वी कैन फाइंड अ टेबल। हमारा कीमा डोसा आ गया है, गरम गरम सांभर। लेट्स स्टार्ट। हमने कीमा डोसा ख़त्म कर लिया है। आई थिंक फर्स्ट बाइट में मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज बहुत मेमोरीज थी, बट ओवरऑल हल्का सा कच्चा था, सांभर नॉट सो ग्रेट। तो ऑनेस्टली वाइब के लिए आ सकते हो एंड बिकॉज इट्स अ फेमस प्लेस, बट खाने के टर्म्स में मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करती। हमारा नेक्स्ट स्टॉप है डिमसम। यहाँ के हमने सुना है कि चिकन मोमोज बहुत अच्छे होते हैं, तो वी आर गोना ट्राई इट। लेट्स गो। तो छोटी सी जगह है बट बहुत फेमस है। लेट्स ऑर्डर एंड चेक। तो ये उनका पूरा मेन्यू है, आप चाहो तो पॉज कर सकते हो। इस टाइम पे आप पॉज करके एक बार मेन्यू पूरा देख सकते हो। काफ़ी सारी चाइनीज़ डिशेज़ हैं, आई थिंक इंडो चाइनीज़ टाइप टेस्ट होगा। मतलब चिकन मोमोज हमने ऑर्डर कर दिए हैं, और क्या मन कर रहा है? कुंग पाओ चिकन। चिकन ओके ठीक है, और कोई ऑप्शन? चिकन चॉप्स। आई थिंक कुंग पाओ चिकन ठीक रहेगा। चिकन चॉप्स हनी चिली पोटैटो डिसाइड नहीं कर पा रहे हम, बिकॉज एवरीथिंग इज सो टेम्पटिंग। फोर ऑप्शंस, हनी चिली पोटैटो, चिली चिकन, कुंग पाओ चिकन या चिकन चॉप्स। हनी चिली पोटैटो या फिर कुंग पाओ चिकन। माय डिमसम्स आ चुके हैं, नहीं में तो अच्छे लग रहे हैं। सो ये तीन चटनियाँ हैं, ये स्पाइसी वाली है, ये मीठी वाली है एंड दिस इज शेज़वान।
थोड़ा थक गया पर चटनी बहुत अच्छी है। चटनी बहुत अच्छी थी और क्या अच्छा नहीं लगा? थिकनेस उसके कोटिंग की। एज एनी अदर मॉल रोड आई थिंक यहाँ पे भी शॉपिंग का सीन बहुत अच्छा है, आपको ब्रांड्स भी मिल जाएंगे, आपको लोकल चीजें भी मिल जाएंगी, देयर इज समथिंग फॉर एवरीवन। हम अपर लेवल ऑफ द मॉल रोड पे आ गए स्टेयर्स से। ये क्राइस्ट चर्च, नॉट अ ब्यूटीफुल टाइम टू कम हियर, सन बिल्कुल सिर्फ चर्च के ऊपर शाइन कर रहा है और चर्च चमक के दिखाई दे रहा है। चर्च के पीछे अगर आप देखोगे तो वो हनुमान जी की मूर्ति है का स्टैचू है और वहाँ अगर आप देख सकते हो तो वो एक रोप वे है, तो अगर आप वो स्टैचू विजिट करने जाते हो देन फ्रॉम द रोप वे आप सीधा मॉल रोड तक भी आ सकते हो। हम लोग तो वाया द लिफ्ट आए थे। चर्च की फोटो, अगर आप बच्चों के साथ हैं तो आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं, काफ़ी फन एक्टिविटी है फॉर द किड्स स्पेशली, बट अगर आप बड़े हैं तो भी आप कर सकते हैं, नो जजमेंट, बड़ों के लिए भी उतनी मज़ेदार है। एंड दिस इज़ राइट नेक्स्ट टू द चर्च, तो आप चर्च तक आ जाएंगे, उसके जस्ट साइड में आपको हॉर्सेज मिल जाएंगे एंड यू कैन हायर देम एंड गो फॉर अ स्मॉल राइड। और अभी अभी हमने बहुत ही सुंदर सनसेट विटनेस किया है आज। एक्चुअली क्या है, स्काईज बिल्कुल क्लियर थे और बिल्कुल ऑरेंज बॉल बना हुआ था सन एंड अभी जस्ट ऑलमोस्ट सेट हुआ है। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पे अभी भी यू कैन सी अ ग्लिम्स ऑफ द सन एंड बाय टू द सन। मानव को ना मैप्स बहुत ज़्यादा पसंद है, एटलस, ही इज़ अ कलेक्टर ऑफ दीज थिंग्स एंड हमें ये शॉप यहाँ पे स्पॉट हो गई है एंड क्योंकि ये शॉप यहाँ स्पॉट हो गई है दैट्स वेयर आई एम गोइंग टू फाइंड माय हस्बैंड एंड नाउ वी हैव रीच्ड द नंबर वन फेमस प्लेस विच इज कृष्णा बेकरी। यहाँ की भीड़ देखो आप, ये पूरी भीड़ कृष्णा बेकरी के लिए है एंड लेट्स सी हम लोग यहाँ पे अभी क्या खाने वाले हैं। मोमोज तो डेफिनेटली ट्राई करेंगे और अगर हमें जगह मिली तो फिर देखते हैं और क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तो कृष्णा बेकरी से हमने ये ऑर्डर किया है विच इज़ कॉल्ड कुरकिज। ये किसी टाइप का वेज कबाब है, काफ़ी फेमस है, हमने सबको ऑर्डर करते हुए देखा तो हमने भी ऑर्डर कर लिया, तो लेट्स ट्राई इट। इट्स लाइक अ कबाब बट फ्राइड। तो ये है चिकन मोमोज फ्रॉम कृष्णा बेकरी। एक्चुअली डिमसम से बेटर है। मानव खा के बताओ तुम्हें ये कैसा लग रहा है? कुर्के तो बहुत अच्छा है, मुझे तो अच्छा नहीं लगा बट मानव को काफी अच्छा लगा ये। एंड चिकन मोमोज का क्या है तुम्हारा रिव्यू कृष्णा बेकरी का? की चटनी थोड़ी बेटर हो सकती है पर मोमोज कहाँ के बेटर लगे? मोमोज यहाँ के ना, और चटनी तुम्हें डिमसम की बेटर लगी? ओके। ये हमारा रात का लास्ट स्टॉप है, हम आए हुए हैं सोल द ब्रू हाउस। यहाँ का व्यू एक्चुअली काफी अच्छा है एंड
हमारा पेट तो पूरा भरा हुआ है, सो वी हैव जस्ट ऑर्डर्ड अ ड्रिंक फॉर आवर सेल्व्स एंड वी विल बी रिटायरिंग फॉर द नाइट आफ्टर दिस. मैंने ऑर्डर की है टॉडी, विच इज़ एक स्पाइस ड्रिंक है विद ब्रांडी, एंड ये गर्म है, सो दिस इज़ परफेक्ट फॉर द वेदर. और ये मानव की कॉकटेल है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ. ये इनका बार है एंड बेसिकली वहाँ से एंट्री है, तो मैं अब उल्टा चल रही हूँ. अच्छा सा बना हुआ है, डेफिनेटली व्यू बहुत ही अच्छा है ऑल अराउंड. और इन्होंने ना हीटर्स भी लगा रखे हैं, तो टेबल के ऊपर जैसे बहुत अच्छी सी हीट आ रही है, ऑल्दो ये ओपन स्पेस है, बट दीज आर द हीटर्स, तो इसकी वजह से हीट काफ़ी अच्छी आ रही है. एंड ऑनेस्टली हिल स्टेशंस में मैंने इतने अच्छे बने हुए लाउंजेस या ब्रू हाउसेस देखे नहीं है, और ये ब्रू हाउस भी है, और शिमला में एक्चुअली काफ़ी सारे और भी खुल गए हैं, तो दैट इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी, इसलिए हम एक ट्राई करने आ गए हैं. ओके सो रात हो गई है एंड वी आर डन विद द फूड टूर, तो आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा. आई होप यू गो एंड विजिट दीज प्लेसेस अगर आप शिमला आते हैं, और अगर और भी कोई जगहें हैं जो आप शिमला आके आप एक्सप्लोर कर चुके हो एंड यू हैव सम रिकमेंडेशंस, तो डेफिनेटली दूसरे लोगों के लिए कमेंट्स में हमें बताइए, अगर हम नेक्स्ट टाइम आते हैं तो हम भी शायद उन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें. तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ब्ला 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 यू नो. Bye from Bhukkad Bhumakkad.